क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपके बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट को चीज दी हुई थी वो तो लिखते हैं एक बार, तो बार दी वो क्या लिखते हैं दो बार, ये सब बार ही है, सबको क्या लिखना है आपको दो बार लिखना, एक बार डीआर एक बार सीआर, ताकि कोई खाता डाटा हो ही नहीं, ऑटोमेटिक केस आपके बराबर मिल जाए। सबसे पहले क्या करना है, राम की कैपिटल, तो याद कर कहां आती है, एक तो बैलेंस शीट में आती है, तो बैलेंस शीट दी हुई नहीं है तो हम बनाएंगे, इसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं, याददाश्त की, ताकि हम इससे खाते बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपके राम का सब खाता है, तो याद रखेंगे हम राम कैपिटल और दूसरा है श्याम कैपिटल, ये दे रखा है आपके 17,000 और 3,000। इसका बनाने का एक उद्देश्य है संपत्तियों की गणना करना, संपत्ति आने दी हुई हो तो, वैसे दी हुई आती नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो आपका आएगी नहीं, तो देखो आप ये दे रहा है आपके ये वाली चीज कहा लिखते हैं, या लिखते हैं या इधर है तो इधर बाय में लिखेंगे, उनके पूंजी खाते के बैलेंस है तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 17,000 और 3,000। अगला पॉइंट है आपके श्याम द्वारा फर्म को दे, मतलब श्याम ने फर्म को दिया, श्याम द्वारा श्याम ने दिया फर्म को, इसका मतलब फर्म क्या हो गया देनदार, देने वाला, मतलब देनदार हो गया मतलब डेटर, तो ये आपकी डेटर कहाँ आता है संपत्ति पक्ष में आता है, तो यह आएगा आपके श्याम लोन, श्याम ने लोन दिया कितने का दिया है 2,000 का। अब फर्म ने दिया है राम को, तो राम मतलब देने वाला हो गया लेनदार पेटर हो गया आपके, तो ये क्या कहलाएगा आपके, यह आएगा आपके राम लोन जो दे रखा है आपके 10,000। अब दो एक बार यहां लिख दिया एक बार वहां लिखो, यहां दे रखा है तो वो लिखेंगे यहां पर, तो लिखेंगे यहां पर हम राम लोन जो दे रखा है आपके 2,000 का, जो इधर दे रखा है वो उधर आएगा, इधर है श्याम लोन, और जो इधर दे रखा है जैसे कैपिटल थी तो वो उधर लिखी थी, यहां भी यहां आएगा आपके, बाय क्या लिखेंगे हम यहां पर राम लोन, ये श्याम लोन है तो श्याम के अकाउंट में, ये राम लोन है तो राम के अकाउंट में लिखेंगे, हर एक चीज दो बार लिखनी है क्योंकि बैलेंस है नहीं, हर एक दो बार लिखेंगे। अगला है क्रेडिटर 20,000, तो क्रेडिटर आपके यहां आता है बैलेंस शीट में आता है आप क्रेडिटर 20,000 का, और क्रेडिटर का आता है रिलाइजेशन के बाय में भी आता है, यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर, ये हो गया है आपके 20,000 का। अगला पॉइंट है पुस्तकों में केस तो है 300 और 1200 फर्नीचर, पुस्तकों में देखो है तो केस कितना है, केस है आपके 300 रुपए और फर्नीचर का कितना दे रखा है आपके 1200 रुपए। अब ये चीज होती तो कहां लिखते हैं केस है तो केस के अकाउंट में लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना है केस का बैलेंस 300 रुपए, जैसे दायित्व है इधर लिखे हैं लाइबिलिटी संपत्ति एसेट्स हो तो इधर लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्या नाम है फर्नीचर तो लिखेंगे टू फर्नीचर, जो हो गया है आपके 1,200 रुपए। दोनों का अनुपात है 2:1, कुछ भी लाभ आने हुआ तो 2:1 बांटेंगे, 2/3 1/3, 3 कैंसिल अनुपात हो गया 2:1, ये देखो तो भी ठीक है 2/3 1/3 सीधा काटने के लिए काम हो जाएगा। अब यह संपत्ति वसूली है 40,000, वसूली मतलब पैसे मिले, लेकिन किससे मिले, देखो कैश को फर्नीचर को श्याम के लोन को हटाकर इन तीनों से जो पैसे आने वाले थे उनको छोड़कर 40,000 मिले, तो देखो यहां तो लिखते हैं कि संपत्ति कितनी है बैलेंस शीट वो लिखते हैं, और यहां क्या लिखते हैं हम जो पैसे आए वसूल कितने हुए, किसने का वसूली दे रखी है तो यहां आएगा आपके बाई कैश, वसूली मिली है आपके किससे अदर एसेट से, पैसे मिले आपको कितना है आपके 40,000। नियम है इधर जो दिया हुआ है तो इधर लिखना है और इधर का जो पेमेंट है आपको इधर भुगतान करना है, तो यहां वाला संपत्ति तो दी हुई नहीं है तो वो अभी जब पैसे बनाई कंप्लीट तब आप काम में ले लेंगे। अब हर एक चीज दो वाली नहीं है तो ये बाई में है तो यहाँ टू में आएगा, जो लिखेंगे हम रियलाइजेशन कितना देर का, ये है आपके अदर एसेट्स जो दे रखा है आपके 40,000 का कंप्लीट।
अब अगला पॉइंट, राम ने फरीद ले लिया 800 में, तो इधर से जो भी चीज है या तो आएगा एस या आएगा राम का नाम या श्याम का नाम, तो लिखेंगे बाई राम्स कैपिटल। कितना है राम कैपिटल? 800 रुपए। और ये क्या ले गया? जो फरीद था वो ले गया। अभी देखो ये चीज तो यहाँ आ गई, अब ये वाली चीज भी इधर थी, तो वो कब आएगी? जब ये बदले से पूरी करेंगे तब आएगी। आप यह आ जाएगा आपके फर्नीचर 800 में राम ने ले लिया। हरी चीज दो बार लिखनी है, तो ये बाई में क्या आएगी आपके यहाँ पर? 2 में। यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन, और क्या लेके आए? फर्नीचर। तो लिखो फर्नीचर। कितना है आपके? 800 रुपए राम के खाते में राम ले गए। ये भी कंप्लीट, केंद्र को फुल पेमेंट किया। इधर वाली चीज इधर पेमेंट करते हैं, यहाँ आएगा आपके 2 अदर असेट्स जो हम निकालेंगे वो वाले, यहां से यहाँ बाद में, लेकिन पहले आ गया लेकिन 2 कैश हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, फुल पेमेंट पूरा 20 है, 20 पूरा भुगतान कर दिया। तो यह आएगा आपके 20,000। ये 2 में या बाई में? यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन। इसका पैसा है ये आपके क्रेडिटर का पैसा है, और कितना रुपए है क्रेडिटर का? 20,000 रुपए क्रेडिटर का। ये भी कंप्लीट, खर्चा 200 रुपए का, यहाँ लिखेंगे 2 कैश, और ये हो गया है आपके खर्चा। कितना खर्चा हो गया है आपके? 200 रुपए का। ये 2 में है तो ये बाई में, यहाँ आएगा बाई हरे जी 2 बार, यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और ये है खर्चे का पैसा। तो कितना है खर्चे का पैसा आपके? 200 रुपए। ये भी कंप्लीट। फिर है आपके अकाउंट बनाने। अब अकाउंट बनाने सबसे पहले अपन ये होगा, क्योंकि हमेशा बैलेंस शीट खत्म करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले बैलेंस खत्म होगा तो यहाँ जोड़ कितनी होती है? यहाँ जो अंतर आएगा वो आएगा आपके अदर एसेट्स। अदर एसेट मतलब इनके अलावा जो संपत्ति बची वो वाला, ये हो जाएगा आपके 20,000, 40,000, 50,000। ये भी कर दो आप 50,000, 50 में से गए आपके 4,000, 500 गए, 3,500 गए, कितने बच गए आपके? 46,500। तो ये हरेज दो बार लिखनी, ये है आपके अंतर की राशि लिख सकते हैं। ये यहाँ है तो यहाँ भी आएगा, कितना आएगा? 46,500। ज्यादा जोड़ किधर है आपकी? यही ज्यादा है, 46,500 प्लस 1200 प्लस 20,200, ये होता है 67,900। तो यहाँ भी करेंगे 67,900 माइनस 20,000 माइनस 40,800, ये होता है 7,100। ये आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल, राम में बांटेंगे और श्याम में भी। कैसे बांटेंगे? 2:1, तो भाग 2:3 का, ये आएगा आपके 2367। 2367 डबल कर देंगे, ये आ जाएगा 4,733 रुपए। 2:1 बांट दो, ये है बाई में, तो यह आएगा 2 में, तो लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, और ये हुआ है आपको लॉस। लॉस हुआ है 4,733 का और 2,367 का, ज्यादा जोड़ वही है उधर पहले, लेकिन ये श्याम की जोड़ क्या ज्यादा है? 4,367, 4,367। तो पीछे कितना बचा? 1,367। ये आएगा बाई कैश, ये बाई में है तो यहाँ 2 में, यहाँ लिखेंगे हम क्या नाम है? श्याम्स कैपिटल। कितना? 1,367। फिर ये कितना होता है? 17,27,000, यहां भी कर देंगे हम 27,000, और यहां लेंगे हम 2 केस, इधर तो आएगा नहीं, इधर लिखेंगे 27,000 माइनस 5,533, ये होता है 21,467। 2 में है तो ये बाई में, यहाँ लिखेंगे राम्स कैपिटल जो है आपके 21,467, 2120, 41,660, 40, 41,660।